बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होने वाला है। हालांकि ये सत्र काफी छोटा होगा, पर इस सत्र में जबरदस्त हंगामा होने की संभावना है। विपक्ष ने इसके लिए कमर कस ली है। ऐसा लगता है आरजेडी, जो कि विपक्ष का मुख्य दल है, सवाल जवाब के हालात नहीं रहने देगा। जिला प्रशासन और पुलिस ने सत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है। इस सत्र में विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और वो नीतीश सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार करेगा। मुजफ्फरपुर ट्रेजरी घोटाला और सीसीटीवी कैमरे से तेजस्वी की जासूसी करने के आरोप में भी विपक्ष सरकार का घेराव कर सकता है। इसके अलावा बढ़ते अपराध, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, शराबबंदी जैसे विपक्ष के मुद्दे हो सकते हैं। आरजेडी के विधायक भाई बीरेंद्र ने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा है कि सीबीआई के निदेशक ने मान लिया है कि रेलवे से जुड़े एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है और इसमें पीएमओ और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का ही हाथ है। बता दें, इस शीतकालीन सत्र में दो विधेयक, गैर सरकारी संकल्प और द्वितीय अनुपूरक बजट ही पेश होने को है। सोमवार को सत्र शुरू होगा। पहले दिन के शोक प्रस्ताव के बाद बैठक स्थगित कर दी जाएगी। अगले दिन दो विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें से एक विधेयक उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी पेश करेंगे, जो जीएसटी से जुड़ा हुआ है। उसके अगले दो दिन यानी बुधवार और गुरुवार का दिन द्वितीय अनुपूरक बजट के लिए रखा गया है। सत्र का आखिरी दिन शुक्रवार को होगा और इस दिन गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। विधानसभा परिषद में भी सरकार और विपक्ष का यही एजेंडा रहेगा।